केके की फाइनली ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है और आखिरकार क्या है उनकी मौत का कारण, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। मैंने आपको अपनी पहली रिपोर्ट में बताया था कि जब उनकी फर्स्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि उनके हृदय के पास एक मोटी फैटी लेयर थी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। इनफैक्ट उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोलेस्ट्रॉल में संचय ने इंस्ट्रूमेंट धमनी की काफ़ी हद तक जो है वो उसको स्टॉप कर दिया था, प्लस जिसकी वजह से उनके हार्ट पे जो अपना हमारा जो ब्लड पंप होता है, जो उनकी पंपिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित हो गई थी और जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। आपको ये भी बता दूं कि जब जिस जगह पर कॉन्सर्ट हो रहा था उस जगह की जो कैपेसिटी थी उससे 2 गुना ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर शामिल हुए थे, जिसकी वजह से AC भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था और केके को बार बार बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, अनइजीनेस उन्हें फील हो रहा था और बार बार वो अपना टॉवल जो है वो अपने मैनेजर के थ्रू मंगा रहे थे और अपना स्वेट जो है वो पोंछ रहे थे। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है इन रिपोर्ट में कि अगर जिस समय केके को भी ये फील हो रहा था कि उन्हें अनइजी फील हो रहा है, उन्हें इतना ज़्यादा स्वेट आ रहा है, अगर उसी समय पर भी ये चीज़ों को, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये साइंस थे, तो यहाँ पर अगर इन साइंस को समझते हुए अगर उसी टाइम पे हॉस्पिटल लेके गए होते तो शायद आज केके हमारे बीच में होते। वेल, आपको बता दूँ कि ये सिर्फ केके ने ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहे सभी लोगों ने नज़रअंदाज किया है और यही एक कारण है जिसकी वजह से अब केके हमारे बीच में नहीं है। मौत का कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, मायोकार्डिक इन्फेक्शन, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चूक तो हुई है लेकिन इस चूक का जो भुगतान हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। अब आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप लोग की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।